सरकार मेडिकल विभाग को मेरा एक सुझाव है। मेडिकल विभाग में हम लोग विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, लाइबिलिटी में विश्वास करते हैं, इसीलिए भारत सरकार के मेडिकल विभाग को भी भंते जी सुझाव दे रहे हैं, डॉक्टर साहब लोग जरूर गौर करेंगे। भारत सरकार मेडिकल विभाग को मेरा एक सुझाव इस प्रकार है। देखो भाई, मेरा जन्म लोहार के घर में हुआ, बुरा नहीं मानना। मेरे पूर्वज अपने आप में एक वैज्ञानिक होते हैं, जिसे हम लोग नागवंशी संस्कृति, शिल्पकारों की संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक वैज्ञानिक लोहार का बेटा जरूर हूँ, शिल्पीकार का बेटा जरूर हूँ। इसीलिए बिल्कुल मेडिकल विभाग को मैं सुझाव दे रहा हूँ, मेडिकल विभाग को एक यंत्र बनाना चाहिए, जिससे स्वच्छ जल को गर्म कर उसके वाष्प को कोरोना वायरस जैसे पीड़ित रोगियों को उसके शरीर के ताकत के मुताबिक, यानी उसके शरीर में जितना तपन के बर्दाश्त करने की क्षमता है, ताकत के मुताबिक नाक के श्वास से फेफड़ों तक पहुंचाया जाए। ऐसा मेरा विश्वास है कि जल के गर्म वाष्प से रोगी के शरीर के जहरीले कीटाणु मर सकते हैं। दुनिया के प्रत्येक बीमार मानव को इस फार्मूला से कोरोना जैसे टीबी जैसे जहरीले बीमारियों से बचाया जा सकता है। मेडिकल विभाग को इस पे जरूर रिसर्च करना चाहिए, इसका सर्वे करना चाहिए। अगला छोटा सा शीर्षक होगा, कोरोना वायरस के बीमारी से बचने के लिए घर घर का सरल उपाय। बड़ी सरल उपाय सुनिए, दुनिया के प्रत्येक मानव जाति को कोरोना वायरस के बीमारी से बचने के लिए चावल के 2 कप, गरम माड़ में 1 कप मूंग के गरम दाल को मिलाकर स्वयं पीना चाहिए और अपने बच्चों को भी पिलाना चाहिए। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, ताजे दूध को खौलाकर मुंह को सहन होने भर, सुषुम होने पर स्वयं पिए और अपने बच्चों को भी पिलाएं। तीसरा सूत्र सुनिए, गरम पानी भी बार बार पिए और अपने बच्चों को पिलाएं। चौथा सूत्र है, गर्म पानी के वाष्प को मुंह के श्वास से खींचकर मुंह बंद कर ले, जैसे वाष्प निकलता है ऐसे करके खींचिए और मुंह बंद कीजिए, तो श्वास से क्या हो जाएगा, अंदर और फेफड़े में जाएगा। इस तरह का श्वास से खींचकर मुंह बंद करें और वाष्प को फेफड़े में प्रवेश करें। इस अभ्यास से आप अपने और बच्चों के साथ हमेशा जारी रखें। इस अभ्यास को, एक्सरसाइज से बहुत कुछ होता है, इस तरह का अभ्यास होना चाहिए, परिवार के साथ जारी रखें। मुझे ऐसा विश्वास है कि इस क्रिया के अभ्यास से पूरे दुनिया के मानव जाति को कोरोना वायरस से, जहरीले बीमारियों से बचाया जा सकता है। आप लोगों ने बंते जी की देशना को बड़े मेडिटेशन क्रिया में सुना है, इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मंगल महामंगल गाथा के लिए आप लोग पांच जोड़ी हैं, पूरे विश्व के लिए हमारा महामंगल गाथा होगा भारतीय भाषा में। हे तथागत सम्यक समुद्धे, हम सभी को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को, सब में भलाई दीजिए। ऐसी कृपा हो आपकी, सबके हृदय में बुद्धि हो, छल कपट को छोड़कर सबका हृदय अब शुद्ध हो उजाला सबके मन में बुद्धि के प्रकाश से, और अंधेरा दुर्सरा हो अविद्या नाश से। हम सभी बौद्धिक बने, सब में वैज्ञानिक सोच हो, बने एक दूसरे के सहयोगी, नहीं किसी पर बोझ हो। बौद्ध धम से हो सुगंधित अपना भारत वर्ष देश, वायु जल सुखदायी हो, मिट जाए सबका कलेश। पंचशीलानी बनकर हम में बुद्ध के धम दूत बने, 22 प्रतिज्ञा पालन कर हम जय भीम के सपूत बने। साधु साधु साधु। इस महामंगल गाथा से पूरे विश्व के मानव जाति का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी दुख दीर्घायु हो, सबके दीर्घायु जीवन के लिए हमारी शुभकामना है। और आज हम लोग बाबा साहब के दिए गए
22 प्रतिज्ञाओं को, दीक्षा को हम लोग अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और जय भीम का सच्चा सपूत बनने का सम्यक संकल्प लेते हुए मैं देशना को विराम दे रहा हूँ। भवतु सभ्य मंगल रखंतु सभ्य विज्ञानता सभ्य बुद्धानुभान धम्मानुभान संगानुभान सद्दा सोती भवंतु ते साधु साधु साधु। इस मंगल देशना से पूरे विश्व का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी दिखाई हो, सबको मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम इंडिया, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोहार, जय शिल्पकार। धन्यवाद, साधुवाद। दो भी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, आप लोग उस पर भी गौर करेंगे। तो अब मैं भाग नंबर 2 का दृष्टि सुनाने जा रहा हूं, आप लोग गौर करेंगे। इसका शीर्षक है भय ही बीमारी को जन्म देता है। जी हाँ, आप हमेशा याद रखें, आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप सभी प्रथम भारतीय हैं, आप सभी को अंत तक भारतीय बनकर सहोदर भाई बनकर इस देश में जीना होगा। हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, प्रत्येक भारतीयों को प्रबुद्ध होना चाहिए। हमारा देश तथागत बुद्ध का देश है और पूरे विश्व का धर्म गुरु भी रहा है, यह भी कटु सत्य है। हमारा देश ठंडा मुल्क नहीं, गर्म मुल्क है, इस बात पे गौर करेंगे। यहाँ की जलवायु में वह गर्मी है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति जितनी सुंदर है, इस तरह की जलवायु सभ्यता नागवंशी शिल्पीकारों की संस्कृति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने आप में साक्ष्य है, जो दुनिया के सबसे सुपर सभ्यता के नाम से जानी जाती है, सिंधु घाटी शिल्पकारों की सभ्यता। भारत देश के जलवायु के गर्मी में ही वह ताकत है कि इस देश में कोरोना वायरस की बीमारी नहीं फैलने की संभावना है, अगर हम परहेज करेंगे तब। हम भारतीयों को ब्लैक मंकी मैन काला लंगूर से जीवन जीने की शिक्षा लेनी चाहिए। प्रत्येक भारतीयों को ब्लैक मंकी जैसा फियरलेसनेस होना चाहिए, यानी निर्भय होना चाहिए। ब्लैक मंकी के लिए कोई अस्पताल नहीं होता, इसीलिए वह बीमार नहीं होता, उसका बच्चा बच्चा स्वस्थ रहता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ब्लैक मंकी मैन अपना वैद्य स्वयं होता है, वह अपने बीमारी का इलाज स्वयं करता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे द धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। वह जीवन जीने की कला को जानता है, वह प्रकृतिवादी होता है, वह शाकाहार होता है, एवं अहिंसक प्राणी होता है। वही हमारा पूर्वज है, उसे हम लोग को आज मेडिटेशन क्रिया का शिक्षा ग्रहण करना होगा। अगला शीर्षक होगा आपके आहार विहार में ही बीमारी का इलाज है। सुनिए कैसे। पूरे विश्व के मानव जाति को कोरोना वायरस से बचने के लिए शुद्ध शाकाहार भोजन लेना चाहिए। 100% नॉन वेज का यानी मांसाहार भोजन नहीं लेना चाहिए। हमें ईश्वर खुदा गॉड पूजा पाठ प्रार्थना यज्ञ आदि में विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को इस संकट में जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। मानव को खुली हवाएं और तेज धूप में रहना चाहिए। मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसी ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना चाहिए। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। राशि जीवन का परित्याग कर देना चाहिए, जिस तरह स्वयं सिद्धार्थ परित्याग करने के बाद ही बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, परित्याग कर देना चाहिए। मनवता की सेवा करना चाहिए, प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए। फ्रिज का पानी, बाजार का कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। शराब एवं नशा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग
चर्च अफीम आदि नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वार्निंग भी मैं देने जा रहा हूँ, मेरे वार्निंग पे आप लोग गौर करेंगे। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारियों के महामारी जैसे बुरे दिन में भी भारत देश में कुछ विषमतावादी तत्व के लोग हम भारतीयों को हिंदुत्व के नाम पर हिंदुस्तानी बोलकर गाली दे रहे हैं। कोई भी संतरी हो, मंत्री हो, मेरे को टेंशन नहीं है। अगर हम भारतीयों को आप गाली दे रहे हो तो आप देशद्रोही हो। हम भारतीय हैं, मेडिकल साक्ष है, लेकिन आप हिंदू मुसलमान हो, एक भी मेडिकल साक्ष नहीं है। आज के बाद मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, हम भारतीयों को हिंदुस्तानी बोल के गाली नहीं देना। इस देश का आज तक अच्छे दिन नहीं आए हैं, इस देश में आज तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। वर्तमान का समय तो बहुत ही बुरा है। इस बुरे दिन में भी लोग भजन के नाम पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए थाली और थाली बजा रहे हैं, ये सबको पता है। क्यों? ब्राह्मण जाति, मात्र ब्राह्मण जाति जिस कवि को हम लोग तुलसीदास के नाम से जानते हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ था? मात्र ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति में इतना बड़ा विद्वान हो गया कि भारतीय संविधान को नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा? तुलसी रामायण के काल्पनिक लिखी हुई कथा, जिसको हम रामचरितमानस का टीवी पर सीरियल दिखाकर हम गरीब भारतीयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। राम द्वारा महात्मा शंभू का गर्दन कटवाया जा रहा है। बौद्ध सम्राट रावण की बहन सुरेखा का नाक कटवाया जा रहा है। पूरे विश्व को मैं संदेश दे रहा हूँ, अगर रावण कोई है तो भंते जी चीवरधारी है। हम ही को रावण कहा गया और हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हुआ था, इसीलिए लिख दिया जाता है कि है ना, ये लोग दोनों भाई मिलके वो रावण के बहन के नाक काट दिया। नाक काटना का मुहावरा होता है रेप का शिकार होना। आप निर्दोष गर्भवती महिला सीता को जंगल में खदेड़ने का संदेश दिया जा रहा है, जो नारी का सबसे बड़ा अपमान स्वयं राम ने ही किया। नहीं हो सकता है, लेकिन कथा में तो लिखा हुआ है राम कथा, इसके सिवाय क्या संदेश देता है? कुछ भी नहीं। वहां अपमान जातिवाद छुआछूत के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस तरह के अध्यात्मवादी विचारों पर भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बीमारी महामारी जैसे संकट में निश्चित रोक लगा लेना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए।